हेलो भाइयों, मैं हूं दीपक देवतवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पैन कार्ड का मीनिंग, पैन कार्ड का मतलब क्या होता है। आप सभी ने पैन कार्ड देखा ही होगा, उसको क्यों बनवाते हैं, वो किस काम आते हैं, आज मैं पैन कार्ड की पूरी जानकारी दूंगा। पैन कार्ड के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान जरूर दबा लें, जिससे मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ वो सबसे पहले पहुँचेगी आपके पास। चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं। नो पैन कार्ड मीनिंग इन हिंदी। पैन कार्ड का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर, और पैन कार्ड का मुख्यतः उद्देश्य है लोगों की वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन पर नज़र रखना। पैन कार्ड होना क्यों आवश्यक है, इस बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ का क्लिक करें। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाने वाला पैन कार्ड नंबर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसको आपको किसी भी 25,000 से अधिक वित्तीय लेन देन करते समय उल्लेख करना होता है। सरल शब्दों में पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर पेन या स्थायी खाता संख्या 10 अंकों की एक अक्षरांकीय संख्या है, जिसे आयकर विभाग द्वारा एक लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। कार्ड पर इस प्रारूप ABRHJ22824G में लिखे नंबर को पेन नंबर कहते हैं। वित्तीय प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर अधिसूचित वित्तीय लेन देन से संबंधित सभी दस्तावेजों में भी पेन निकला अनिवार्य है। अचल संपत्ति या मोटर वाहन का क्रय या विक्रय, बिक्री या होटल और रेस्टोरेंट या किसी भी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में 25,000 से अधिक राशि का नकद भुगतान करने के लिए, किसी टेलीफोन या सेलुलर टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसी तरह किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 50,000 से अधिक राशि जमा या बैंक में 50,000 से अधिक राशि जमा करने पर पैन का उल्लेख करना भी होता है। बैंक में आप बिना पैन कार्ड से इससे अधिक राशि जमा नहीं करवा सकते। और ये आप जो देख रहे हैं, ये होता है पैन कार्ड का प्रारूप। पैन कार्ड संबंधित सेवाओं में सुधार और उसके व्यापक प्रचार करने के लिए आयकर विभाग ने UTI इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड को अधिगत TIN सुविधा केंद्रों से उन सभी शहरों और कस्बों में IET पैन सेवा केंद्र स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत किया है। यहाँ आयकर कार्यालय है। बड़े शहरों में पैन आवेदकों के लिए सुविधा के लिए UTIISL ने अधिक से अधिक पैन सेवा केंद्र स्थापित किए हैं, और इसी तरह वहाँ से एक अधिक TIN सुविधा केंद्र है। जबकि अब तो ऑनलाइन भी पैन कार्ड के रूप में आवेदन कर सकते हैं, जो अपेक्षाकृत कम समय और कम खर्चीला है, और आप घर बैठे ही कुछ मिनटों में पैन कार्ड के लिए आवेदन कर पाते हैं। तो भाइयों, अभी मैंने आपको जो जानकारी दी उसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप बैंक में कुछ लेन देन करते हो तो उसके लिए 25,000 से अधिक के लेन देन करते हो और 50,000 रुपये जमा कराते हो तो उसके लिए पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। इसलिए आजकल बैंक का खाता खुलवाते हैं तब भी पैन कार्ड मांगते हैं, क्योंकि पैन होता है आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, और उस पर जैसे मैंने बताया था ABRH, इस तरह से आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो भाइयों, अभी तक आपने अगर पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि आपको बैंक में जो भी लेन देन होगा बिना पैन कार्ड के लिए बिना पैन कार्ड नहीं हो सकता। भाइयों, आप पैन कार्ड ई मित्र से बनवा सकते हो। अगर आपके पास को आपके गांव मोहल्ले में कोई ई मित्र की दुकान होगी तो वहां से आप आवेदन करवा सकते हो। मात्र 150 रुपये में पैन कार्ड आपके घर बन के पते पर आ जाता है, तो ई मित्र पर जाकर आप पैन कार्ड बनवा सकते हो। तो भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी और चीज़ पर सहायता चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि हमको जिस मैं उस पर अगली वीडियो लेकर आऊँगा आपके कमेंट पर। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा लें, और घंटे के निशान में दबा लें साइड में, जिससे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले पहुँचेगी आपके पास। धन्यवाद भाइयों। I'm gonna go get some more.